भाई किसी भी चीज में आप एक नियम बनाएंगे ना, और ये नियम आप ही के द्वारा बनाया गया था कि आपने एग्जाम लिया, अब एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं तो आप उनको नौकरी देने में उनको आपको क्या दिक्कत आ रही है? उसमें अब एग्जाम होने के बाद जब आपके पास सीट आपके पास अवेलेबल है, जब आपके पास वैकेंसी है वहाँ पर, उसके बाद उनको वहाँ पर भर्ती करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? और ये अनियमितता ये जो हर विभाग में इन्होंने बना दी है, एसटीईटी का तो मामला है ही, पर हर जगह भाई आप एक नियम बनाते हैं, उस नियम को आप खुद फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद जब हमारे बच्चे जब छात्र जब सड़क पर आते हैं इनके ऊपर आप लाठियां भी चलाते हैं, इनको आप दिन रात दौड़ाते हैं। भाई ये आज की तारीख में पढ़ा लिखा बिहार का युवा है जो कि सक्षम है बिहार को आगे लेके जाने के लिए, इनको अगर आप अपना जेन्युइन हक आप नहीं दिलाएंगे, इनको अगर इनका अधिकार नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में सोचिए बिहार के युवाओं की क्या हालत होंगे। और यही कारण है कि युवा बिहार छोड़ छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां पर जाता है, वहां पर समर्थ होता है, वहां पर अच्छा काम कर लेता है, पर अपने ही प्रदेश में उसको दबाया जाता है, उसको अपने ही प्रदेश में उसके हक अधिकार नहीं मिलते। तो मैं भी राज्य सरकार खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि जो वैकेंसीज हैं एसटीईटी के छात्रों को लेकर, जिस आधार पर आपने एग्जाम करवाए थे, जिस आधार पर इनके रिजल्ट आए थे और जिसके आधार पर इनको चुना गया था, चुने जाने के बाद क्या कारण बना कि भैया आपने इनको उसमें से कुछ लोगों को आपने छांटने का काम किया, वो आपने क्या आधार बनाया? मैं चाहता हूं कि जितने लोग इसमें क्वालिफाई हैं उनको जल्द से जल्द उनको नौकरी पे रखें। बिल्कुल ये बैकडोर नहीं है, बैकडोर को बढ़ावा नहीं दे रहे। जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जो मुख्यमंत्री बात करते हैं, ये करप्शन है, ये करप्शन है। बैकडोर से जिनको वो एंट्री दे रहे हैं, क्या लेन देन चल रहा है उनका, किस आधार पर बैकडोर से उनकी एंट्री हो रही है? और जो बच्चे जिन्होंने ओपनली एग्जाम लिए हैं, जिन्होंने उसको क्वालिफाई किया है, जो अपने सामर्थ्य पर, जो अपने काबिलियत पर जो आके आए हैं, उनको आप क्यों नहीं चुन रहे हैं? कारण तो बताएं, जनता तक पहुंचाएं। आइए, मैं पीछे हो जाइए स्टूडेंट्स वाले। एसटीईटी अभ्यर्थी जो सरकार जो हम लोग के साथ, सबसे मैं पहले और कोई स्टूडेंट आइए है, बहुत सब आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एसटीईटी का आप लोग जानते हैं कि 2019 से मामला आज से नहीं अटका हुआ, 2019 अभी चल रहा है, 2021 19 में एक बार फॉर्म भराया ऑफ एग्जाम लेके रद्द कर दी गई, फिर ऑनलाइन लिया गया, फिर भी एक बार रिजल्ट दिया गया। 12 मार्च को रिजल्ट आया 12 विषयों को, आप लोग देखते हैं कि 12 विषयों का रिजल्ट आया 24,599 12 सब्जेक्ट का, और उसमें कहा गया कि आप लोग की नौकरी पक्की है, जितने पास क्वालिफाई किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ तक मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को के द्वारा कहा गया, उनके साथ साथ आईएएस अधिकारी जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं उनके द्वारा भी कहा गया। तो अब मैं कहता हूँ कि हम लोग को नौकरी पक्की 12 मार्च को ये कहे, और फिर 6,000 लोगों का 3 विषय का टोटल 30,696 को नौकरी पक्की की गई। लेकिन 21 जून को क्या किया गया, जो टैलेंटेड बंदा और जेनून बंदा थे उनको नॉट मेरिट और मेरिट के नाम पर डिवाइड किया गया और बांटा गया। बैकडोर से बहुत सारे बंदों को बेल्ट्रॉन के द्वारा कॉल आता था, जो कमेटी की बैकडोर से लाया गया, और जो हमारे टैलेंटेड बंदा और जेनून बंदा जो बेचारे हैं पढ़ने वाला, उनको बाहर कर दिया गया। और जो बैकडोर से जो टैक्स जैसे भी लाया, हम नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो बंदे को एंट्री किया गया और मेरिट में करके और नॉन मेरिट करके डिवाइड किया गया। मैं हम लोग की मांग है सर कि जो भी क्वालिफाई किए हैं स्टेट में, उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत करके अपना जो है कि एक पोस्ट सिक्योर किया है और एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो बस सरकार से निवेदन है कि जो भी इस पात्रता परीक्षा को पास किया है, पात्रता कम जो नियुक्ति परीक्षा को पास किया है, सभी की जो है कि ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें। इसी बात को लेकर हम चिराग पासवान सर जी के पास भाई किसी भी चीज़ में आप एक नियम बनाएंगे ना, और ये नियम आप ही के द्वारा बनाया गया था कि आपने एग्जाम लिया, अब एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं तो आप उनको नौकरी देने में उनको जैसा कि आप लोग जानते थे कि आज हम लोग का मार्च प्रायोजित था और पीसफुल मार्च था। मैंने पहले ही बोला था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, तो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। आपको ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास हम लोग निकले थे जो गांधी मूर्ति है वहाँ से, और उसके बाद गेट नंबर 5A के पास हम लोग सब लोग जमा हुए। और वहाँ जमा होने के बाद जो है, चूँकि आज ही के दिन कांग्रेस का भी कोई प्रोग्राम था, उनका भी कोई प्रोटेस्ट मार्च था, और साथ ही साथ वार्ड सचिव लोगों का भी कोई आंदोलन था उसमें। तो प्रशासन के द्वारा बोला गया कि पहले उन लोग का मार्च निकला हुआ है, उन लोग की मार्च को कम्प्लीट होने दीजिए, फिर आप लोग अपना मार्च निकालिए। तो उसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा जब हम लोग को बोला गया कि हाँ आप मार्च निकाल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास हम लोगों ने अपना मार्च निकाला, और फिर कारगिल चौक होते हुए हम लोग मार्च करते हुए निकले। और उसके बाद टकमगला चौराहा की तरफ जाने के लिए बढ़े ही थे, तभी मौर्य होटल के पास हम लोग को रोक लिया गया। और जैसे मैंने कहा था कि हमें रिस्ट्रिक्टेड जोन में
नहीं जाना है, पुलिस ने हमें रोक लिया और हम लोगों ने ऐसा भी पहले से बोला था कि हम लोगों को इस तरह का कुछ नहीं करना है कि पुलिस हम पे बल प्रयोग करे। और लोगों ने बहुत तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई कि ये हुआ, मारा गया, पीटा गया, कुछ भी नहीं हुआ। जो भी लोग आंदोलन में सम्मिलित थे उनसे पूछ लीजिए। और आज कम से कम जितने लोग आंदोलन में आए थे उसको देख के मतलब बहुत अच्छा लगा कि चलिए कम से कम सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग जग चुके हैं मेरिट वाले। ये इस आंदोलन से यही प्रूफ हुआ कि मेरिट वाले जग चुके हैं। तो सब लोग जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग 5 सदस्यों का डेलीगेशन टीम जो है वो सचिवालय के लिए गया, और जहाँ पे सचिवालय में एक उच्च अधिकारी से हम लोग को मिलाया गया। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हैं कि मामला क्या है। अब नाम डिस्क्लोज करेंगे तो पता चलेगा कल होकर वहाँ भी पूछना शुरू हो जाएगा, इसलिए नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं किससे मिलवाया गया हमें। और वहाँ मिलवाने के बाद जो है हम लोगों ने सारी बातों को रखा अपना, जो भी हमारी बातें थी, और वो भी इस बात के अग्री किए इन चीज़ों को कि हाँ आप लोग का जो डिमांड है वो डिमांड आप लोग का जायज़ है, और परहैप्स कुछ मीटिंग्स वगैरह होने वाली है विभाग में इस संदर्भ में। उन्होंने कहा ठीक है आपका जो मैटर है वो समझ गए हम लोग, और विभाग में इस संदर्भ में कुछ मीटिंग होने वाली है। आई थिंक कि नेक्स्ट वीक में बता रहे थे कि नेक्स्ट वीक में कुछ मीटिंग होगी इस संदर्भ में, और उसके बाद जो है मीटिंग के बाद जो है वो डिसाइड करेंगे कि इस पे क्या वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो भी है। अब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट जरूर किया कि हाँ आप लोग के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, इस बात को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वीक में मीटिंग हमारी होगी, और परहैप्स बोर्ड के साथ उनकी मीटिंग है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे इस विषय में कुछ क्या करना है नहीं करना है। आई होप कि आपको पॉजिटिवली हम लोग के पेपर में हो, बट अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद जो है हम लोग का डेलीगेशन वापस आ गया, और उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ कहा कि अभी कुछ ज़्यादा ये नहीं करना है, किससे मिले नहीं मिले, बस ये जान लीजिए कि मीटिंग हुई और उन्होंने एक्सेप्ट किया इन चीज़ों को कि हाँ आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने भी बात स्वीकार किया कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी वेल क्वालिफाइड है, और सब लोग इस चीज़ को जान रहा है। मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं, उनके बारे में उन्होंने खुद कहा कि आप लोग IIT लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व पेपर सॉल्व करके आया है, SST में भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था सब, मतलब हर विषय में, मतलब उनका भी ये मानना था कि पेपर और एग्जाम का जो स्टैंडर्ड था वो इस बार बहुत अच्छा था, और इस कारण से जो भी है मेरिट में ऑब्वियसली डिजर्विंग कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मीटिंग होने वाली है बोर्ड के साथ उनकी और कुछ और भी ऑफिसर लोगों के साथ, उसके बाद वो लोग कुछ पॉलिसी डिसीजन कुछ देंगे इसके संदर्भ में कि मेरिट वालों के लिए क्या किया सकता है। लेकिन सब लोगों ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है, और उसके बाद हम लोगों ने टाइम दिया गया कि 10 दिनों के बाद यानी कि अगले सप्ताह उनकी मीटिंग है, तो ऑलमोस्ट आपको थर्सडे है, तो नेक्स्ट वीक में उनकी मीटिंग के लिए छोड़ दिया हम लोग, यानी कि नेक्स्ट वीक के अगले नेक्स्ट वीक में यानी कि लगभग 10 दिनों के बाद हम लोग उनसे मिलेंगे, और मिलने के बाद मतलब उनसे देखेंगे कि क्या उनका मतलब रिस्पांस है। अगर वो रिस्पांस हमारे फेवर में पॉजिटिवली रहा तो ठीक है, और अगर पॉजिटिवली नहीं रहा तो फिर एक आंदोलन का आगाज तो अभी हो ही गया है, आगाज शुरू कर दिया हम लोग, और फिर आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थियों में जागरूकता आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है, और अभ्यर्थी जितने उम्मीद था उससे ज़्यादा पहुँचे हुए थे। और बहुत लोग तमाम तरह के अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ पे ये किया गया, इनको पिटाई किया गया है सब लोगों को, वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया है वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब गलत अफवाह न्यूज है वो।